आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के नौबस्ता स्थित जेपी सीमेंट प्लांट में कार्यरत श्रमिक अब भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इन श्रमिकों के लिए कोरोना महामारी अब आफत बनकर सामने आई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन श्रमिकों ने एक बार फिर आज सुबह से ही जेपी सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इधर तनाव की बढ़ती स्थिति को देख मौके पर तहसीलदार सहित पुलिस बल पहुंच गया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सीटू यूनियन के महासचिव कॉमरेड राकेश सिंह ने श्रमिकों की समस्या से तहसीलदार को अवगत कराया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं। फिलहाल मौके पर चुराहटा थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी के साथ काफी पुलिस बल तैनात है। श्रमिकों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने पूरी तरह से 3 माह का लॉकडाउन कर दिया था, जिसमें सीमेंट कंपनी बंद थी और तभी से यहां कार्यरत श्रमिक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इधर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जेपी सीमेंट कंपनी ने सभी पुराने श्रमिकों को कार्य में नहीं लिया, जबकि बाहर से नए कुछ श्रमिकों को बुलाकर फैक्ट्री संचालित कराई जा रही है। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान माह मार्च अप्रैल मई की वेतन का भी भुगतान अब तक नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का सहयोग कंपनी प्रबंधन ने किया। इस तरह की अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर फिलहाल जेपी सीमेंट फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन श्रमिकों का जारी है। सारे लोगों की स्कैनिंग है, एक साथ जी है ना, बिल्कुल मैडम, ये आश्वस्त करवा दिया है आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे मजदूरों द्वारा भी ले लिया जाएगा। हम मजदूरों को कोई समस्या नहीं है ना, बहुत बहुत मैंने हम जो है मैडम कई बार इनको चिट्ठी लिख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, जो है आज तक इनके जवाब नहीं मिले हैं। पिछले 3 महीने से बड़ा वेतन भी नहीं मिला मजदूरों का, कोई 100 किलोमीटर कोई 200 किलोमीटर, सब भूखे मर रहे हैं।